गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी में हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंजरी की। इससे पहले हमने सॉफ्ट टिश्यूज़ में मिलने वाली इंजरीज देखी थी। आज हम बोन में मिलने वाली इंजरीज की बात करेंगे, जिससे हम सिंपल फ्रैक्चर नाम देते हैं। बोन में कोई इंजरी हुई मीन्स के बोन फ्रैक्चर्ड हो गई। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में जब आप बोन फ्रैक्चर्स को फेस करते हो तो टोटल 6 टाइप के फ्रैक्चर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सिंपल फ्रैक्चर की अगर आप बात करो तो बोन इज़ ब्रोकन एट वन प्लेस, सिर्फ एक जगह से आपकी बोन ब्रेक होती है, कोई एक पर्टिकुलर बोन, और विदाउट एनी वॉन्ड्स, किसी भी तरह का कोई जख्म आपको स्किन पर नज़र नहीं आता है। ओके, उसे सिंपल फ्रैक्चर नाम देते हैं। उसके अलावा सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसमें बोन के साथ साथ आपकी स्किन और मसल्स भी डैमेज होते हैं। ओके, और नज़र आता है हमें कि हाँ कुछ ना कुछ बोन यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होगा कि इंटरनल ऑर्गन लाइक नर्व्स, आर्टरीज, ये भी आपकी डैमेज होती हैं बोन के फ्रैक्चर होने के साथ साथ। फोर्थ टाइप है ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर जनरली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जिनकी बोन्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो उनमें बोन टूटती नहीं है, फ्रैक्चर नहीं होती है, वो बेंट होती है, तो उसे हम ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर नाम देते हैं। फिर है फिफ्थ कम्युनेटेड फ्रैक्चर, बोन ब्रेकन इन टू थ्री और मोर पीसेस। ओके, इसमें बोन एक हड्डी तीन या तीन से ज़्यादा पार्ट में टूट जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर बोन एंटर इनटू अनदर बोन। इसमें टूटी हुई हड्डी जो है वो एक हड्डी दूसरी हड्डी में एंटर कर जाती है और उसे भी डैमेज कर देती है। तो ये टोटल फ्रैक्चर के टाइप थे। फिर आपको थर्ड टाइप ऑफ इंजरी अगर आपसे पूछते हैं तो वो है आपकी जॉइंट इंजरीज। ठीक है, जैसे कि आपका हिप जॉइंट है, ओके, आपका शोल्डर जॉइंट है, रिस्ट का जॉइंट है, इनके जॉइंट्स डिसलोकेट हो जाते हैं, तो इन्हें हम जॉइंट इंजरी नाम देते हैं। अब बात आती है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की। तो सबसे बड़ा कॉज तो देखो स्पोर्ट्स इंजरी का ये है कि आप विदाउट प्रॉपर वार्मिंग अप आप मैदान में चले जाते हो। ठीक है, तो इम्प्रॉपर वार्मिंग आपने की है तो उसकी वजह से भी आप सही से नहीं खेल सकते हो, बॉडी आपकी एक्टिव नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं बोन आपकी फ्रैक्चर्ड हो जाएंगी। उसके अलावा लैक ऑफ फिटनेस, फिट नहीं है आपकी बॉडी। ठीक है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, उसकी वजह से भी आप में कहीं ना कहीं कमी है, कि मान लो कैल्शियम कम है, कहीं आपका मसल सही से काम नहीं कर रही है, तो वो भी इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ओके, प्रेशर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का प्रेशर आप पर होता है, तो भी आप एनी हाउ चाहते हो कि मैं इस कंपटीशन को फाइट कर लूँ, तो कहीं ना कहीं आप गलत डिसीजन ले लेते हो, मैं भी फॉल डाउन हो जाओ या जो भी है, तो वो भी इंजरी का कॉज हो गया। फिर उसके अलावा लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ सही नहीं मिली हुई। ठीक है, जो इक्विपमेंट चाहिए उस टाइम पर वो इक्विपमेंट नहीं है, जैसे कि जो प्रॉपर आपके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, तो वो इक्विपमेंट नहीं है, आपको अवेलेबल नहीं है, आप स्पोर्ट्स में चले गए हो, ठीक है, तो भी इंजरी का कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटिग, थके हुए हो तो आप अपनी प्रैक्टिस, अपना उस टाइम प्रैक्टिस को कम कर दो और प्रॉपर रेस्ट लो, ताकि बॉडी फिर से एक्टिव हो सके आप कॉम्पिटिशन के लिए। और केयरलेसनेस ड्यूरिंग द गेम, अगर आप केयरलेस हो गेम्स के ड्यूरेशन में, आप अपनी खुद की केयर नहीं कर रहे हो, कहीं भी गिर रहे हो, कैसे भी एनी हाउ सिर्फ आपका मैच पर ही ध्यान है, तो भी कहीं ना कहीं आप इंजर्ड हो सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा इम्प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपको मिल गए बट इम्प्रॉपर है, जैसे आपको चाहिए पर्टिकुलर आपकी सेफ्टी के लिए वो नहीं है, तो भी इंजरी की पॉसिबिलिटी है। ओके, और ओवर यूज़ ऑफ मसल्स, आप अपनी मसल्स को बहुत ज़्यादा थका रहे हो, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इंजर्ड होने की पॉसिबिलिटी तो है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं आपकी इंजरी के लिए। फिर अगर प्रिवेंशन की बात करो, प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स, तो है कि प्रॉपर वार्मिंग अप करके आपको मैदान में जाना है। ओके, प्रॉपर कंडीशंस फॉलो करनी है आपको, जो भी रूल्स हैं गेम्स के लिए वो फॉलो करने हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स लेकर आपको मैदान में जाना है, बैलेंस डाइट लेनी है, और उसके अलावा प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, अपने स्पोर्ट्स स्किल की आपको नॉलेज हो, किस तरह से मैं स्किलफुल हूँ, कैसा काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कैसे एंगल में ले सकता हूँ। ओके, डोंट डू ओवर ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी है, ठीक है, अपने हिसाब से अपने आप अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। ठीक है, यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम, और प्रॉपर कूलिंग डाउन भी हम करेंगे मैच के होने के बाद, ताकि हमारी मसल्स धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आएँ। ओके, और ओबेइंग द रूल्स, जो भी रूल्स बने आपके स्पोर्ट्स के लिए आप उन्हें ओबे करोगे। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पर्टिकुलर इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज, जो कि हम स्पोर्ट्स की फील्ड में फेस करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरी हमने पढ़ी। उसके अलावा इन इंजरीज़ के कॉजेज और इनसे प्रिवेंशन, बच कैसे सकते हैं हम, आज ये चीज़ हमने डिस्कस की। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है, जो कि है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड और उसके क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप इन्हें नोट डाउन करो।
सो स्टूडेंट्स, इंजरीज़ के बाद हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एड की। देखो, फर्स्ट एड, फर्स्ट हेल्प भी हम कह सकते हैं, जो कि हम किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर। आप देखो, इंजरी का तो हम कह रहे हैं कि खेल के मैदान में आप प्रैक्टिस के दौरान, कंपटीशन के दौरान इंजर्ड हो सकते हो। खेल के मैदान में कभी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत से कॉजेज हमने डिस्कस की इंजरी के। तो उस इंजरी को और ना बढ़ जाए, उसे रोकने के लिए जो पहली हेल्प दी जाती है बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर, उसे हम फर्स्ट एड नाम देते हैं। यहाँ हमें डिस्कस करने हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। तो सबसे पहला एम तो है प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को प्रिजर्व करना, ठीक है, कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। ओके, तो इसीलिए हम फर्स्ट एड देते हैं किसी इंजर्ड पर्सन को। सेकंड है टू एलिविएट द पेन, उसका पेन, उसकी स्वेलिंग, उसको और कम करना, एलिविएट करना, यानी उसे रिड्यूस करना, इसलिए भी फर्स्ट एड दिया जाता है। थर्ड है टू प्रिवेंट कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, कंडीशंस और ना बिगड़ जाएं, जो इंजर्ड हुआ है उसकी इंजरी है वो और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए फर्स्ट एड देकर उसे थोड़ी देर के लिए रिलीफ किया जाता है। फोर्थ एम आप कह सकते हो टू प्रमोट रिकवरी, वो अच्छे से जल्दी से रिकवर हो जाए, कंडीशन ज़्यादा ख़राब ना हो, तो उसके लिए भी फर्स्ट एड का हम एम समझ सकते हैं कि ये एम है। और फिफ्थ है टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड। ओके, अर्ली मेडिकल एड यानी कि जो अर्ली मेडिकल फैसिलिटीज़ है उन्हें प्रोक्योर करना ही हमारे फर्स्ट एड का मेन एम है। तो ये टोटल 5 एम है फर्स्ट एड के, ठीक है। फिजियोलॉजी वाला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ऑलमोस्ट लगभग पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें आई थिंक बायोमैकेनिक्स पढ़नी है, ठीक है। तो 7th चैप्टर आपका कंप्लीट है, जिसमें आपने बोन इंजरीज पढ़ी, फिजियोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है आपने वो चीज़ समझी, ठीक है, आपने इंजरीज पढ़ी हैं और उनके कॉजेज आपने देखे, और उसके अलावा आपने फर्स्ट एड के बारे में इसमें पढ़ा है, ठीक है। और ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।